नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव एवं माता पार्वती के बीच संवाद की कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तपस्या करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय के शिखर पर गंगावतार नामक स्थान पर चले आए, जहां समस्त पापों का विनाश करने के लिए माँ गंगा धरती पर उतरी थी। अपनी इंद्रियों को जीतने वाले भगवान शंकर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। भगवान शंकर के ध्यान में लग जाने पर नंदी, भृंगी आदि अन्य कुछ पार्षद गण भी ध्यान में लग गए। उस समय कुछ ही शिवगण भगवान शंकर की सेवा किया करते थे। वे सब के सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। उसी समय पर्वतों के राजा हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित पर्वतों के राजा ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया और जीवन भी सफल हो गया। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित होकर आपकी सेवा करूँगा। गिरिराज का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित पर्वतों के राजा हिमवान को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो कि कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो, तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि अर्थात ब्राह्मण आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। हे पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध करो। गिरिराज ने भगवान शंकर से प्रेम पूर्वक कहा, हे जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय लेकर महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ भाग्यशाली कौन होगा? हे शंभु, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के आप उत्तम तपस्या कीजिए। मुझे अपना दास समझकर जो भी आज्ञा हो आप कहें, मैं उसका पालन अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी पत्नी मैना को बड़े आदर से सारी बातें सुनाई। उसके बाद हिमालय ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझा दिया। हिमालय ने कहा, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पीछे स्थित है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। इस प्रकार गिरिराज हिमालय ने भगवान शंकर के तपस्या के विघ्न निवारण के लिए बहुत सुंदर प्रयत्न किया। उसके बाद पर्वतराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ खुशी खुशी भगवान शंकर के निकट गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान में लगे हुए भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। हिमालय ने कहा, भगवान, मेरी पुत्री आपकी सेवा के लिए उत्सुक है, अतः आपकी पूजा की इच्छा से मैं इसको साथ लेकर आया हूँ। इसके साथ दो अन्य सखियाँ भी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगी।
हे नाथ, यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और एक बार फिर से ध्यान में लग गए। तब गिरिराज हिमालय उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। फिर हिमालय बोले, हे देवों के देव महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे शिव, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, हे प्रभु, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए आपका आदेश चाहता हूँ। उनकी यह बातें सुनकर भगवान शंकर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में ही रखकर नित्य मेरे दर्शन करने आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बातें सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे और बड़े व्यवहारिकता की दृष्टि से कहा, हे शैलराज, यह कुमारी सुंदर कटी प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसीलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसीलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। इस तरह की बहुत सी बातें समझाकर भगवान शंकर चुप हो गए। भगवान शंकर के निष्ठुर वचनों को सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली। भवानी ने कहा, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर मेरे पिता से यह क्या बात कह डाली? आप तो ज्ञान विशारद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय में विचार कर ही आपको जो कहना हो वह सब कहिए। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वतः प्रकृति रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। जब भगवान शंकर ने व्यवहारिकता भरी बातें कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली, हे कल्याणकारी प्रभु, योगी, आपने जो बात कही है, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है?
फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों को विचार करके तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृति ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। हे प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए करते हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। हे ईश, आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृति ही मानना चाहिए। योगेश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हैं, सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं, फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। उनकी इन बातों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय से कहा, मैं यहीं तुम्हारे अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। हे पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। त्रिशूलधारी भगवान शंकर की इन बातों को सुनकर हिमवान ने कहा, हे महादेव, देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? तब भगवान शंकर की आज्ञा लेकर पर्वतराज हिमालय अपने घर लौट गए। वे गिरिजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। भगवान शंकर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से एक ही सिद्ध होते हैं वही शिवा और शिव सांख्य और वेदांत मत में स्थित होकर कल्याणदायक वार्तालाप करते हैं, जो इस कथा में आपने सुनी। और यह कथा सर्वदा सुख देने वाला और मंगलकारी तथा ज्ञानवर्धक भी है। इंद्रियों को जीतने वाले भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थीं। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थीं। आग से तपकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोछती थीं। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात
प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती। इस प्रकार ध्यान में लगे हुए भगवान शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पहले की तरह उनकी सेवा करती रहीं। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तपश्चर्या व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पाणी ग्रहण करूँगा। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए, तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान में लगे हुए भगवान शंकर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग कराना चाहते थे। उनके ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी ताड़कासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग कर लिया, परंतु महादेव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ, उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तब सती पार्वती ने भी गर्व रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर शिव परस्पर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तत्पर रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। प्रिय भक्तों, शिव पार्वती संवाद की यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक, सुख देने वाला एवं मंगलकारी है। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।